एवरीवन, वेलकम टू मिस केमिस्ट्री। तो देखो, ये जो वीडियो है, ये वीडियो बीएससी स्टूडेंट्स के लिए है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जो साथ में बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कर लीजिए। तो देखो, जो वीडियो आ रही थी मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन पे, ये उसकी लास्ट वीडियो है। इसमें जो भी रह गया है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में, वो सारा मैं इस वीडियो में कंप्लीट करवा देती हूँ आपको, ठीक है। तो देखो, इसमें मैंने आपको नाइट्रीन नहीं करवाया था, पहले नाइट्रीन मैं आपको करवा देती हूँ। देखो, जो नाइट्रीन है, ठीक है, जो नाइट्रीन है, नाइट्रीन को क्या बोला जाता है, वो नाइट्रीन है उसको एनालोगस बोला जाता है कार्बीन के, ठीक है। मतलब जो कार्बीन के क्या होता है, जो सिमिलर टू कार्बीन होता है, मतलब ये होता है जो सिमिलर टू कार्बीन, कार्बीन के सिमिलर होता है, ठीक है। और जो ये नाइट्रीन है, इसका भी जो है इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, ठीक है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने के कारण इसकी भी क्या टेंडेंसी होती है, इसकी जो टेंडेंसी होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की इसकी टेंडेंसी रहती है। समझ में आई आपको इतनी बात। इसके बाद जो नाइट्रीन है, ठीक है, सिमिलर टू कार्बीन है, दैट मीन्स ये क्या है, रिएक्टिव है, ये रिएक्टिव होता है, ये मोनोवेलेंट भी है, ठीक है, ये रिएक्टिव और मोनोवेलेंट स्पीसीज है। उसके बाद इसकी टेंडेंसी होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, इसको इलेक्ट्रोफाइल भी बोला जाता है और इसको लुईस एसिड भी बोला जाता है, ठीक है। इसको इलेक्ट्रोफाइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफाइल भी बोला जाता है और इसको लुईस एसिड भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं जो नाइट्रीन है वो कितने टाइप का होता है। जो नाइट्रीन है कार्बीन की तरह, ये भी क्या है, दो टाइप का होता है, एक होता है सिंगलेट कार्बीन और एक होता है ट्रिपलेट कार्बीन, ठीक है। एक तो होता है सिंगलेट कार्बीन और सेकेंड होता है ट्रिपलेट कार्बीन, ठीक है, ट्रिपलेट कार्बिन। आप इतना उतारिए पहले, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सिंगलेट कार्बिन क्या होता है और ट्रिपलेट कार्बिन क्या होता है। पहले इतना उतार लीजिए। तो देखो, अब जो सिंगलेट कार्बिन होता है, हाँ, सिंगलेट कार्बिन होता है जो, उसके जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, जो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन होती है, वो उसमें होती है sp2, ठीक है, sp2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है। दैट मीन्स इसमें जो नाइट्रोजन होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, ठीक है। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, देखो इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इसमें जो ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये किसके साथ बॉन्ड बनाता है, एक मोनोवेलेंट एटम के साथ, ठीक है। ये कोवेलेंट बॉन्ड किसके साथ बनाता है, एक मोनोवेलेंट एटम के साथ। और इसके बाद ही इसका अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। उसके बाद अब इसमें जो दो हाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स हैं, इसमें जो दो बचे पी हाइब्रिड जो ऑर्बिटल्स हैं, उसमें क्या है, दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें जो दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये किसकी बात हो गई, ये बात हो गई सिंगलेट कार्बिन की। उसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रिपलेट कार्बिन, ठीक है। अब सेकंड है उसके बाद ट्रिपलेट कार्बिन। देखो, जो ट्रिपलेट कार्बिन है उसमें जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी नाइट्रोजन की, जैसे इसमें थी नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन थी, वो थी sp2, और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp, ठीक है। इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, वो होगी sp। उसके बाद देखो, इसमें क्या है, ठीक है, इसके जो स्ट्रक्चर होती है कुछ इस टाइप से होती है। इसमें जो ये बॉन्ड है, ये किसके साथ बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड किसके साथ बनाता है, किसी भी मोनोवेलेंट एटम के साथ, ठीक है। और इसमें जो दो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स होते हैं, ये दोनों क्या है, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, ये दोनों अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स होते हैं। और जो ये क्या है, ये है हाइब्रिड पी ऑर्बिटल, ये क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। इस हाइब्रिड पी ऑर्बिटल में क्या है, दो लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और जो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है, इसमें क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी पैरेलल स्पिन होती है, ठीक है, जिसमें पैरेलल स्पिन होती है।
ये किसकी बात कर ली हमने, ये बात करी है हमने ट्रिपलेट कार्बिन की, ठीक है। तो इतना उतार रही है, देखो इसमें जनरेशन देख लेते हैं कि हम जो नाइट्रीन को कैसे जनरेट करवा सकते हैं इसमें। तो देखो पहले पढ़ते हैं हम कि एजाइड के साथ कैसे हम जनरेट करवाते हैं नाइट्रीन को। तो इसमें क्या है, ठीक है, तो अगर मैं इसको हीट दूं या इसको बाहर से कोई लाइट दूं तो ये क्या करेगा, यहाँ से N2 निकल जाता है। N2 निकलने के बाद यहाँ पर एक नाइट्रीन जनरेट हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रीन जनरेट हो जाएगा। ये मैंने कहाँ से लिया, ये लिया मैंने एजाइड से। उसके बाद जो सेकंड एग्जांपल है मैं लूँगी एसाइल एजाइड से, ठीक है, एसाइल एजाइड से। एसाइल एजाइड का मतलब C डबल बॉन्ड हो, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, इसको सेम मैं या तो हीट दूँ, ठीक है, या फिर इसको बाहर से लाइट दूँ, यहाँ से फिर क्या निकलेगा, N2 बाहर निकलेगा और क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी नाइट्रेन की जनरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ भी नाइट्रेन जनरेट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो आपका नाइट्रेन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं। पहले आप इसको उतार लीजिए। तो देखो इसमें देखते हैं हम टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन के कितने टाइप की होती हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो देखो जो पहले हैं वो होती हैं पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, उसके बाद एडिशन रिएक्शन, उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन, उसके बाद कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है, उसके बाद पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ठीक है, एडिशन, एलिमिनेशन, कंडेंसेशन, पेरिसाइक्लिक। अब जो ये हैं, जो ये होती है टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, इसको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले अपनी कॉपी पे अलग से लिख लेना, ठीक है, ये टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं। इस पहले पढ़ते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहले इसको उतारिए, उसके बाद देखो हम पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है पहले हम वो पढ़ लेते हैं। देखो अब इसमें एग्जांपल करवाती हूँ मैं आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सपोज़ करो मैंने ये एग्जांपल ली है, ठीक है, एक एग्जांपल है, ये क्या है, एक सब्स्ट्रेट लिया मैंने, ठीक है, ये क्या है, एक सब्स्ट्रेट, और ये क्या है, कोई भी अटैकिंग स्पीसीज, ये क्या है, कोई भी एक अटैकिंग स्पीसीज। तो इसमें क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगी। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अगर कोई भी, सपोज करो ये बी है, अगर इस बी को मैं हटाकर यहाँ पे सी लगा दूँ, यानी इसके जगह पर अगर मैं बी का तो बॉन्ड क्या कर दूँ, इसको ब्रेक कर दूँ और इसके जगह पे सब्स्टिट्यूट करवा दूँ किसको, सी को, मतलब यहाँ से मैंने इसको ब्रेक किया तो ये किसके साथ बॉन्ड बन गया, अगर ये सी के साथ बॉन्ड बनता और ये बी निकल जाता है, बी निकल गया, दैट मीन्स यहाँ पर जो बी की जगह किसने ले ली, सी ने ले ली, दैट मीन्स यहाँ पर जो सी है बी की जगह पे सब्स्टिट्यूट हो गया। तो इसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो हमें, हम पढ़ते हैं, देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, और दूसरी होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, तो दोनों हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो आपने पढ़ी हुई है। इसमें मैंने क्या लिया, सपोज एक रिएजेंट लिया, दैट इज सब्स्ट्रेट, ठीक है, ये मैंने एक सब्स्ट्रेट लिया और सपोज करो यहाँ से मैंने न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया। अगर मैं इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाती तो यहाँ से क्या है, एक्स बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सब्स्टिट्यूट करवा दिया एक्स को किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ, ठीक है। तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और एक्स क्या ग्रुप है जो बाहर निकल जाता है, इसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्यों बोला, क्योंकि एक्स की जगह किसने ले ली, एक न्यूक्लियोफाइल ने। उसके बाद जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो होता है SN1, एक होता है SN2, ठीक है। तो हम ये दोनों पढ़ते हैं, SN1 और SN2 क्या होता है। SN1 जो होता है, देखो SN1 का मतलब है, देखो SN1 मैं आपको बताती हूँ सिंपल वे में। ये मैंने क्या लिया, अल्काइल हैलाइड, ये मैंने क्या लिया, एक सब्स्ट्रेट लिया, ठीक है, ये है एक स्टेप वन,
ये क्या है स्टेप वन। इस पर मैंने क्या किया, ये जो हैलाइड ग्रुप था ये मैंने क्या निकाल दिया बाहर। यहाँ पे क्या हो गया, कार्बोकेटाइन की जनरेशन हो गई, कार्बोकेटाइन की यहाँ पे जनरेशन हो गई। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा, ठीक है, सेकंड स्टेप में जो ये कार्बोकेटाइन है इसके ऊपर मैंने बाहर से कोई भी अटैकिंग स्पीसीज का अटैक करवा दिया इस पर, ठीक है, मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा दिया। तो ये क्या हो गया, जो न्यूक्लियोफाइल था वो सब्सटीट्यूट हो गया किसकी, आर एक्स के जगह पे। यानी ये दो टू स्टेप्स रिएक्शन है इसको, इसलिए इसको बोला जाता है एस एन वन। उसके बाद हम पढ़ते हैं एस एन टू रिएक्शन। एस एन टू रिएक्शन में क्या होता है, देखो एस एन टू रिएक्शन में ये मैंने क्या लिया, एक अल्काइल हैलाइड, ठीक है, एस एन टू रिएक्शन करवाते हैं पहले आपको। देखो ये मैंने क्या लिया, एक अल्काइल हैलाइड, ये मैंने लिया सबस्ट्रेट, ठीक है। अब देखो एक इसमें इंटरमीडिएट स्टेज बनती है, ठीक है, वो कैसे बनती है वो मैं आपको सिखाती हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल, अब जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से भी अटैक कर सकता है और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से भी अटैक कर सकता है, बट इसके एक कंडीशन है, अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से इसलिए अटैक नहीं कर सकता, अटैक तो जहाँ मर्जी से कर सकता है, बट यहाँ से इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है, एक सपोज़ यहाँ पे कोई बल्कि ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से हिंड्रेंस होगी, जब ये यहाँ से अटैक करेगा तो ये यहाँ से अटैक नहीं करता, ये ऑलवेज़ क्या करता है लिविंग ग्रुप के ऑपोजिट साइड अटैक करता है, ठीक है। ये लिविंग ग्रुप है क्योंकि इसको बाहर निकलना है, ये एक लिविंग ग्रुप हो गया और इसके ऑलवेज अपोजिट साइड से अटैक करेगा, ये अपोजिट साइड से जब अटैक करता है इसका क्या बनता है, एक इंटरमीडिएट स्टेज बनती है। उसमें क्या है, न्यूक्लियोफाइल का तो एक बॉन्ड बनता है एक्स के साथ, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का तो बॉन्ड बनेगा आर के साथ, और ये जो एक्स का बॉन्ड है आर के साथ वो क्या है, टूटने लगता है, तो एक इंटरमीडिएट यहाँ पर स्टेज बनती है, ठीक है, एक इंटरमीडिएट स्टेज बनती है। उसके बाद जो फाइनल स्टेज होगी, यहाँ पर जो एक्स है ये बाहर निकल जाता है, ठीक है, जो ओल्ड बॉन्ड होगा वो तो टूट जाएगा और न्यू बॉन्ड की क्या है आर के साथ और न्यूक्लियोफाइल का बन जाता है, तो यहाँ पर ये सेम चीज़ यहाँ पर बनेगी, बट बनते किस में है, वन स्टेप में, ठीक है, ये क्या है, वन स्टेप में बनती है, तो इसलिए इसको बोला जाता है एस एन टू, ठीक है। जो इसका रेट होगा, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, न्यूक्लियोफाइल के, ठीक है, इन दोनों पर डिपेंड करता है और इस सबस्ट्रेट पे, ठीक है। आपको इतनी समझ में आई, आप इतना उतारिए, उसके बाद मैं आपको पढ़ाती हूँ एलिमिनेशन, ठीक है, एलिमिनेशन के बारे में पढ़ते हैं, पहले इतना उतारिए। देखो अब मैं इसमें पढ़ाती हूँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन पढ़ लिया है, अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो देखो जो मैंने लिया, ठीक है, Cl2, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है, HClCl3 के साथ, तो इसमें मुझे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल पहले जनरेट करवाना होगा, तो इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवा लिया, ठीक है, ये मैंने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवा लिया। तो अब मैं इस पर करवाती हूँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल और ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रोफाइल पर क्या होगा, अटैक होगा। उसके बाद क्या कंडीशन बनती है, देखो यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर Cl आएगा और यहाँ से क्योंकि ये वाला बॉन्ड इस पर अटैक किया है तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद अब ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा इसके डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए, तो ये बॉन्ड यहाँ पर आया, उसके बाद ये जो पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो हाइड्रोजन है इसकी अपना बॉन्ड वापस देके इसको निकल जाएगा बाहर, समझ में आई, ये आपके बन गए क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, इसको उतारिए। देखो पढ़ते हैं एडिशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है, एडिशन रिएक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। अब देखो जो एडिशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन में मैंने क्या लिया, दो रिएक्टिंग स्पीसीज लूँगी मैं, सपोज ए डबल बॉन्ड बी लिया मैंने और यहाँ पे और सी और डी लिया, ठीक है, एक मैंने ये सबस्ट्रेट लिया, एक मैंने ये सबस्ट्रेट लिया। अब ये दो मैंने अलग अलग दो जो सबस्ट्रेट लिए हैं, दो रिएक्टिंग स्पीसीज लिए हैं, इससे मुझे एक सिंगल प्रोडक्ट बनाना है, वो मैं कैसे बनाऊँगी, यानी
ए और बी, सी और डी, मतलब यहाँ से कुछ ऐसे कुछ बन सकता है। मतलब ये क्या है, कोई भी बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ होगा, इसमें से कोई भी पॉजिटिव होगा, इसमें से कोई भी नेगेटिव होगा। अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो यहाँ पे कौन अटैक करेगा, नेगेटिव अटैक करेगा, और इस पर पॉजिटिव आएगा तो इस पर नेगेटिव अटैक इस पर करेगा और पॉजिटिव अटैक इस पर करेगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ एक जो एक स्पीसीज, जो दो रिएक्टिंग स्पीसीज से वन रिएक्टिंग स्पीसीज बन जाती है, उसको बोला जाता है एडिशन रिएक्शन। और उसके बाद हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, इसमें ही आता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में देखो क्या है, एक मैंने एल्कीन लिया CH2, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया इलेक्ट्रोफाइल या फिर कोई न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल को आप पे पता है इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज। अगर मैं ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर रही हूँ तो इस पे क्या आएगा CH2, यहाँ पर क्या आया है नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव पे कौन अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, और इस पर कौन अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ऐसे में जनरल रिएक्शन ऐसे कुछ बनते हैं। जो सेकेंड में रिएक्शन करवाती हूँ CH3CH CH2, ठीक है, तो यहाँ पे सपोज HCl है, ठीक है, तो इस पर क्या है ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा क्योंकि इनका क्या लग रहा है प्लस आई लग रहा है, प्लस आई लगने के कारण ये जो बॉन्ड होगा इधर शिफ्ट होगा, तो इस पर क्या बनेगा यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, और जो CH3 होगा CH होगा CH2, यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव और यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव, ठीक है। इस नेगेटिव चार्ज पर कौन अटैक कर जाएगा हाइड्रोजन, जब यहाँ पर हाइड्रोजन अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 3 लगा सकती हूँ मैं, 3 हाइड्रोजन हो गए, और इस पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर लग सकता है क्लोरीन, ठीक है। तो ऐसे जो है ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लगाना है आपको, ठीक है, जब आप करते हो तो ये रफ में करके देख लिया करो, ये बन गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है, इतना उतारिए। देखिए इसमें पढ़ते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अब जो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है इसमें मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, ठीक है। इसमें मैंने लिया प्रोपीन CH3 CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, ये लिया मैंने प्रोपीन। अब इस प्रोपीन को अगर मैं HBr प्लस परोक्साइड की प्रेजेंस में ट्रीट करती हूँ तो क्या बनेगा, तो इसमें देखो क्या बनता है CH3 CH2 CH2 इसके साथ Br, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट बनता है। अब ये देखो जो CH3 है अगर हम फ्री रेडिकल कर रहे हैं तो CH डबल बॉन्ड CH2, अभी जो HBr था, ठीक है, HBr था क्योंकि यहाँ पे मैंने परोक्साइड लिया है, ये क्या करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये क्या है रेडिकल में टूट जाएगा दोनों, ठीक है, रेडिकल में टूट जाते हैं। रेडिकल में टूटने के कारण यहाँ पर जो Br रेडिकल है वो अटैक करता है, इस पर भी रेडिकल आएगा और इस पर भी रेडिकल आएगा, तो यहाँ पे दो वे से अटैक कर सकता है ये जो Br रेडिकल है, वो यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, बट हमें डिसाइड ये करना है कि दोनों में से मोर स्टेबल कौन सा होगा, और उसके बाद हम देखेंगे हमारा कौन सा मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो देखो यहाँ पर रेडिकल आ सकता है, जब यहाँ पर रेडिकल आएगा, ठीक है, एक यहाँ पर रेडिकल आ सकता है, तो जब यहाँ पर रेडिकल आता है तो Br रेडिकल यहाँ पर आकर Br यहाँ लग सकता है और जो रेडिकल यहाँ पर जनरेट हो सकता है, ठीक है। एक तो ये कंडीशन बन सकती है, सेकंड कंडीशन ये बन सकती है कि जो रेडिकल है यहाँ पर आ जाए और जो CH2 इसके बाद जो Br है वो इसके साथ बॉन्ड बना ले, ठीक है। अब दोनों में से आपको डिसाइड करना है कि दोनों में से स्टेबल कौन सा है, तो ये जो होगा ये होगा लेस स्टेबल, और इसके बाद जो ये होगा मोर स्टेबल, ठीक है, ये होगा लेस स्टेबल और होगा मोर स्टेबल, समझ में आई आपको। ये मोर स्टेबल किस लिए होगा, क्योंकि जो ये रेडिकल है ये क्या है दोनों सब्सटीट्यूटेड है, ठीक है, और ये ज़्यादा स्टेबल है इससे, ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आई। उसके बाद जो मेरा ये बना है CH रेडिकल CH2 Br, उसके बाद जो मेरा H रेडिकल था जो मैंने यहाँ से तोड़ा था HBr को, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो H रेडिकल और Br रेडिकल जो मेरा निकला था यहाँ पे, तो जो H रेडिकल होगा वो यहाँ पर अटैक करने के बाद क्या बनेगा CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है, ये बन जाता है। आपको इतनी बात समझ में आई। उसके बाद हम करते हैं टर्मिनेट स्टेप, ठीक है, टर्मिनेशन भी हमें करनी है,
टर्मिनेशन में क्या होता है कि हमें उस रिएक्शन को रोकना होता है, जो रेडिकल रिएक्शंस है, जो रेडिकल्स में बने हैं हमारे प्रोडक्ट्स, उसको रोकना होता है। मतलब जो बी आर रेडिकल है और बी आर रेडिकल है, ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे के यहाँ पर बी आर टू से सेटिस्फाइड हो जाएगा और फर्दर अटैक नहीं करेगा। इतनी आपको समझ में आई, आपको इतना उतारी है। देखिए पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में मैं आपको पढ़ा देती हूँ पहले, एडिशन रिएक्शन। अब इसमें देखो मैंने क्या लिया है, कार्बोनियल लिया है, कार्बोनियल ग्रुप लिया है। इसमें मैंने क्या अटैक करवाया, HCN का अटैक करवाया। ठीक है, जब इस पर मैंने HCN का अटैक करवाया, ये क्या है पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव है। और ये क्या है जो कार्बोनियल ग्रुप है, ये ऑक्सीजन है, ये क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ये क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जिसके कारण इस पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज और इस पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे जब HCN का अटैक करता है, ये क्या है एक पॉजिटिव, ये क्या है एक नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर क्या लग जाएगा ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या लगेगा साइनाइड ग्रुप। इतनी बात आपको समझ में आई, ये क्या बन गया आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब पढ़ते हैं हम एलिमिनेशन रिएक्शन, पहले ये उतार लीजिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो एलिमिनेशन जो रिएक्शन का जो आपको कंसेप्ट है मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या है, देखो मैंने जनरल रिएक्शन ली है। देखिए जो ये सी, ये जो सी और डी है, ये ए और बी के साथ जो बॉन्डेड है, ये क्या करेगा अपना बॉन्ड इसको देख के जाएगा और ये डी है जो अपना विद बॉन्ड निकलता है, तो इससे क्या जनरेट होता है एक एल्कीन की जनरेशन हो जाती है और ये जो सी और डी है बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ के एलिमिनेशन रिएक्शन में एल्कीन की जनरेशन होती है। ठीक है, अब जो एलिमिनेशन रिएक्शन है ये दो टाइप का होता है, एक तो होता है अल्फ़ा एलिमिनेशन। ठीक है, एक तो होगा अल्फ़ा एलिमिनेशन, उसके बाद एक होता है बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, अल्फ़ा एलिमिनेशन और एक होता है बीटा एलिमिनेशन। अब देखो अल्फ़ा एलिमिनेशन में क्या है, अल्फ़ा एलिमिनेशन में होता है या तो कोई एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा वो सेम एटम से रिमूव होता है। ठीक है, मतलब HCCl3, ठीक है, यहाँ से मैंने कोई भी न्यूक्लियोफाइल का टैग करवाया इस पर 3-, अगर यहाँ से मैं Cl का बार निकाल दूँ तो ये क्या बन जाता है CCl2, मतलब यहाँ पे कार्बीन की जनरेशन होती है, यहाँ पे कार्बीन की जनरेशन होती है। ये थी अल्फ़ा एलिमिनेशन। उसके बाद हम पढ़ते हैं बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन का मतलब है कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम होगा वो रिमूव होगा एडजेसेंट एटम से, मतलब ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये क्या करेगा जब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है ये अपना बॉन्ड लेके जाएगा, सॉरी देके जाएगा, और ये बी आर यहाँ से निकल जाता है और यहाँ से क्या बन जाता है, अब ये बी आर नेगेटिव और एन ए पॉजिटिव क्या बना लेते हैं एन बी आर, और जो एच निकला है और एच नेगेटिव था ये क्या बना लेंगे वाटर। ठीक है, यहाँ से क्या बन जाएगा एल्कीन। ठीक है, यहाँ से क्या बन जाएगा आपका एल्कीन। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है, इतना उतारिए। देखो अभी जो रिएक्शंस रह गई हैं वो एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन मैं आपको नहीं करवाऊंगी, वो मैंने नेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीडियो बनाई थी इंटरमीडिएट की। ठीक है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने पूरा रीअरेंजमेंट एक्सप्लेन किया है कि हम कैसे करवा सकते हैं, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको करवाती हूँ आइसोमराइजेशन रिएक्शन नेक्स्ट। ठीक है, आइसोमराइजेशन रिएक्शन का देखो मतलब क्या है, आइसोमराइजेशन का रिएक्शन का मतलब होता है कि हमें एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में चेंज करना होता है। ठीक है, जब एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में हम चेंज करते हैं तो उसको बोला जाता है आइसोमराइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने लिया H, यहाँ पे लिया H, ये क्या है एक ये क्या है ट्रांस। ठीक है, ये ट्रांस है, अगर इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, तो ये क्या चेंज हो जाएगा दूसरे आइसोमर में। ठीक है, CH3, ये होगा हाइड्रोजन, ये होगा हाइड्रोजन, तो ये बन गया सिस। मतलब एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में ये चेंज हो गया, तो इसको क्या बोला जाता है आइसोमराइजेशन रिएक्शन। उसके बाद हम पढ़ते हैं कॉन्डेंसिएशन रिएक्शन। देखो जो कॉन्डेंसिएशन रिएक्शन होती है, जो कॉन्डेंसिएशन रिएक्शन होगी, ठीक है,
अब जो देखो कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, कंडेंसेशन का मतलब होता है अगर मैं दो कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को जोड़ दूं, यानी उन दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को जब मैं कंडेंस करवाती हूं, कंडेंस कराने के बाद मेरा क्या बनता है, एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। सपोज मैंने ए लिया और बी लिया, जब मैंने इन दोनों को कंडेंस करवाया तो एक पी बन गया, पी मतलब एक प्रोडक्ट बन गया। बट यहाँ पर एलिमिनेशन नहीं होना चाहिए स्मॉल मॉलिक्यूल्स का, स्मॉल मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जाम्पल यानी कोई वाटर का या फिर अमोनिया का यहाँ पर एलिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो उसको बोला जाता है कंडेंसेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे मैं एक आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ एसिटाल्डिहाइड का। एसिटाल्डिहाइड का मतलब देखो, एसिटाल्डिहाइड का मतलब CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, प्रोडक्ट होगा, वो हम मैकेनिज्म से समझते हैं, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे मैं सीधा प्रोडक्ट लिख देती हूँ तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा कि वो कैसे आ गया, अगर आप मैकेनिज्म से समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो यहाँ से कैसे हो सकता है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ CH2 यहाँ से H, ठीक है, जो यहाँ से OH नेगेटिव होगा वो क्या करेगा, यहाँ से अटैक करेगा और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट होगा, CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसकी फॉर्मेशन हो गई और यहाँ से क्या निकल गया, एक वाटर, ठीक है, वाटर निकल गया। उसके बाद मैंने दो कंपाउंड लिए थे एसिटाल्डिहाइड के, एक ये बन गया, उसके बाद जो CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, एक ये वाला कंपाउंड था, उसके बाद आया CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है, जो ये कार्बन होगा ये एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है, उसके बाद ये क्या है, बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसे देखो क्या बनता है, CH3 C, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पर आया हाइड्रोजन, CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, समझ पाई आपको इतनी बार। अगर इसके साथ में, अगर इसके साथ में वाटर का रिएक्शन करवा दूँ, ठीक है, ऊपर करवा रही हूँ मैं, देखो वाटर का रिएक्शन करवा दूँ तो यहाँ पे किससे बैलेंस हो जाएगा, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, ठीक है। तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है। अगर मैं वहाँ पे सीधा लिख देती तो आपको कभी भी समझ में नहीं आता, तो ये आप मैकेनिज्म से ही ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। अल्डोल कंडेंसेशन बोला जाता है इसको, अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये उतारिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस, जो लास्ट हमारी रह गई है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। देखो अब जो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, ठीक है, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन देखिए, ठीक है, जो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होती है, देखो जो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है उसमें क्या है, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता, ठीक है, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता इसमें, कभी भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है, और कोई भी बाहर से हमें कोई कैटलिस्ट की नीड नहीं होती है, हमें सिर्फ नीड किसकी होती है, या तो लाइट की या हीट की, बस ये इसके क्या है, लाइट की हमें बाहर से नीड होती है, ठीक है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट की, लाइट में क्या है, रिएक्शन करवाता है, ठीक है। तो इसके रिएक्शन मैं आपको करवा के दिखाती हूँ, देखो, ठीक है, ये डाइन लिया मैंने, ये डाइनोफाइल लिया, ठीक है, अब ये देखो, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, जब ये नेट स्टूडेंट्स के लिए करवाऊँगी, नेट के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे मैं डिटेल में पढ़ाऊँगी पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये बॉन्ड यहाँ पर आ गया, ठीक है, उसके बाद हमारा ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखो मैंने आपको सारी रिएक्शंस करवा दी हैं, ठीक है, वन बाय वन हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है, आपका मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन सारा कंप्लीट हो गया है मेरी तरफ से, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो मैं देख लूँगी कौन सा मुझे चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है, तो ये अच्छे से पढ़ लेना इस चैप्टर को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।